फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देख रहे थे अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस में उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना यह है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का जो हमारा क्लास है पिछले बार शुरू हुआ था, तो एक क्लास ही पार हुआ है। तो मैं थोड़ा सा अपने वीडियो में नया करने जा रहा हूँ, ये कि आप जो पीछे पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका आपका क्यूज नीचे रहेगा, लास्ट में उसका आंसर भी रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति के, आज है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कैसे होता है, है ना। तो सबसे पहले जो है इसमें सदस्य जो भाग लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो है उसका क्या होना है। तो 20 मतदाताओं को संसद में सबसे पहले उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है, 20 मतदाता उसके नाम को प्रस्तावित करते हैं और 20 जो है अनुमोदित करते हैं। प्रस्तावित करना प्रपोज्ड एंड अनुमोदित करना अप्रूव्ड करना। तो ये करने के बाद क्या होता है, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे ये लिखते हैं 20 सदस्य प्रस्तावित करता है, ठीक है, 20 अनुमोदित करता है। बोलते हैं हम बहुत लिखते कम है इसलिए चलिए लिख देते हैं। और जब सदस्य भाग लेता है तो लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है, दोनों के सदस्य भाग तो जरूर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। और यदि डिटेल से चलते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य तो भाग ले रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य यानी एक तरह से कह सकते हैं राज्य मंत्रिमंडल का कोई योगदान नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चयन करने में। एक चीज और ध्यान रखना है कि लोकसभा राज्यसभा ये सब का सब निर्वाचित सदस्य और विधानसभा तीनों का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहा था। थोड़ा यहाँ पे तुलना करके पढ़ लेते हैं, विधान परिषद का सदस्य दोनों में भाग नहीं लेता, ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और न ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये हुआ, हा और क्या पॉइंट था हम सोच रहे थे, हाँ एक चीज और है, मूल संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान था संयुक्त अधिवेशन में किया जाता था, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता था तो उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता था। लेकिन 11वें संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख लेते हैं 11वें संविधान संशोधन 1961 में, ठीक है, हाँ 1961 में ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो नियम था वो समाप्त हो गया और जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं उनको रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। तो ये हुआ आपका उपराष्ट्रपति का चयन, ओ निर्वाचन, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, दो टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे चलने से अच्छा है कि थोड़ा फास्ट करते हैं, हाँ ना, बहुत दिन धीरे धीरे चले। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, थोड़ा देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का पदवधि, तो पद की अवधि जो है उपराष्ट्रपति का साधारणता कितना होता है, 5 साल का, अनुच्छेद 67 के अनुसार। ये क्या है, अनुच्छेद 67 के अनुसार। और इससे पहले भी वो क्या है, राष्ट्रपति को अपना क्या करेगा, इस्तीफा दे सकता है, इससे राष्ट्र उपराष्ट्रपति
का पद समाप्त हो जाएगा, मतलब कि अपना पद छोड़ देगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो है पद की समाप्ति कैसे होती है, तो दूसरा ये है कि राज्यसभा, ठीक है, इस प्रकार का संकल्प पारित कर दे और साथ ही साथ लोकसभा भी उसकी मंजूरी दे दे, तो राज्यसभा के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। और थोड़ा सा बात यह है दोस्तों कि हमारा जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाना है ये नियम वर्णन नहीं है, फिर भी यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ठीक है, प्रस्ताव तो पारित करना है लेकिन इससे पहले 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना देनी होती है, ठीक है ना, उसके बाद ही वो राज्यसभा जो है संकल्प पारित करेगा। और कोई नियम कानून तो है नहीं कि हटाया कैसे जाएगा, तो राज्यसभा ही क्या करता है, संकल्प पारित करता है और लोकसभा भी सपोर्ट करता है, इस प्रकार से वो अपने पद को छोड़ देता है। एक चीज और है, उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, 5 साल पूरा हो गया तब तक तो वो अपने पद पे बना रहेगा ही, लेकिन जब तक उसका आने वाला जो उत्तराधिकारी है अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहेगा बना हुआ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या है। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा बोल लेते हैं तो वीडियो खत्म करेंगे। भारत में दो ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उनका कार्यकाल 2 बार रहा है, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, एक हाल फिलहाल हटे हामिद अंसारी। तो 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। हाँ, संविधान में यह भी वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, जैसे उपराष्ट्रपति बहुत बार बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति द्वारा निर्वाचित हो सकता है। हाँ, अभी और पॉइंट छूटे हुए थे, हम वीडियो अभी खत्म कर रहे थे। और ये है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी, कोई भी नियम कानून के उल्लंघन से रिलेटेड जो भी होता है उसको कौन देखता है, उसका न्याय कौन करता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय करता है। तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव में गड़बड़ी की जांच भी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति की पद अवधि कब तक होगा। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, आपका जो नीचे क्यूज है वो स्लाइड कर रहा होगा, लास्ट में आपका आंसर भी दिख जाएगा, ठीक है, वो प्रीवियस क्यूज रहेगा। अब इस आज जो हम पढ़े हैं उसका 4-5 क्वेश्चन जो लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है उसका मैं क्यूज बना दूंगा, इससे आपको होगा क्या, पीछे क्लास का रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।